nothing left to lose. Welcome back to our channel Galaxy Car Care. I hope you all are well. My name is Manpreet Kaur. आपी को ही वीडियो पसंद आई होगी ब्रीजा की. ये न्यू ब्रीजा है जो हमने आज पीपीएफ करी है. सो आज कुछ पीपीएफ के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि काफ़ी कस्टमर के डाउट्स थे, क्वेश्चन थे, आज भी हैं. क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि ये एक सस्ती चीज़ नहीं है, इतने पैसे खर्च रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस भी बनते हैं. कर लेते हैं कि इसमें क्वालिटी क्या क्या होती है जो हम पर्सनली यूज़ करते हैं. हम इम्पोर्ट स्टॉक भी यूज़ करते हैं, हम ब्रांड से भी डायरेक्ट बाय करते हैं. ये डिपेंड होता है टोटली ऑन योर बजट, कि कस्टमर का बजट कैसा है. और जो हम इम्पोर्ट भी करते हैं वो डायरेक्ट हम यूएसए से करते हैं. जो हम इम्पोर्ट स्टॉक यूज़ करते हैं वो भी अच्छी क्वालिटी का है, हम डायरेक्ट कंपनी से ही इम्पोर्ट कराते हैं. अगर आप स्पेसिफिक अगर किसी ब्रांड के लिए जाना चाहते हैं हम वो भी करते हैं, बट ऑन ऑर्डर. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, हम कस्टमर डिमांड पे, कस्टमर बजट पे ही चलते हैं. तो जो ब्रांड आते हैं इसमें, जैसे गरवारे, 3M, ल्यूमार, एक्सपेल, सेंट गोबेन और काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड्स हैं. पीपीएफ आने को तो 2 लाख तक भी पीपीएफ आता है, बट ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. देखो, हम गाइस आपके लिए इसीलिए आए हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर हो, छोटी गाड़ी हो, बड़ी गाड़ी हो, नॉर्मल कार हो या लग्जरी कार हो, हर कोई ये चीज़ अफोर्ड कर सके. क्योंकि ऑब्वियसली किसी के पास फालतू पैसे तो नहीं है, तो हम अच्छी कम रेट में अच्छी क्वालिटी देने की ही कोशिश करते हैं क्योंकि ये हर किसी के बजट में आ सके. तो गाइस, टीपीएफ की जो मेन पहचान होती है वो टीपीएच एंड टीपीयू की होती है. पहला तो ये पॉइंट होता है कि टीपीएच नहीं होनी चाहिए, टीपीयू होनी चाहिए. जो टीपीएच होता है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज वाला नहीं होता. मींस जैसे कपड़े के निशान, हेयर लाइन स्क्रैचेस, क्वेल मार्क्स, ये धूप में हील नहीं होते हैं. कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम, ये धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लर होना स्टार्ट हो जाता है, क्रैक होना शुरू हो जाता है और ये धीरे धीरे मैट भी हो जाता है. और एक होता है टीपीयू जो कि प्रीमियम क्वालिटी है. प्रीमियम क्वालिटी मैटर करती है कि उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं है. हीलिंग प्रॉपर्टीज़ मीन्स जैसे कपड़े के निशान, स्पेशली इन डार्क कलर्स, डार्क कलर में मिट्टी तक के स्क्रैचेस आ जाते हैं. कुछ टाइम बाद गाड़ी फेड होने लग जाती है. जो डेली कपड़ा मारने वाला आता है वही कहीं ना कहीं गाड़ी को डल कर देता है. तो ये सारे, मतलब हम इंडियंस तो ज़्यादातर यही प्रॉब्लम फेस करते हैं. तो इन्हीं सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है पीपीएफ, वो भी टीपीयू प्रॉपर्टी वाला.
मीन्स जैसे टीपीयू प्रॉपर्टी में क्या होता है, कपड़े के निशान, हेयर लाइन स्क्रैचेस, स्क्वेल मार्क्स, ये ऑटोमेटिक ही धूप में हील हो जाते हैं। अब हम इसकी लाइफ की बात कर लेते हैं कि इसकी लाइफ क्या है। मार्केट में काफ़ी तरीके की कोटिंग है। आज से काफ़ी टाइम पहले आप पीछे चल जाओ तो एक टेफ्लोन कोट चलता होता था, बट आज के टाइम पर टेफ्लोन कोट कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेफ्लोन कोट बेकार है, बट जो डेली क्लीनर आता है उसकी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वही कहीं ना कहीं कोटिंग को ख़राब कर देता है। सिरामिक कोटिंग भी आई, वो भी डिपेंड करता है कि आपकी रनिंग कैसी है, आप क्या चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है। और अब आया है PPF, पेन प्रोटेक्शन फिल्म। वैसे इसे मार्केट में आए हुए 5 से 6 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, बट लोग अवेयर अब ज़्यादा हुए हैं। ये थोड़ा सा वन टाइम कॉस्टली जरूर है, बट ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद आप फ्री हो। अगर इसकी लाइफ की बात करें, TPU की बात करें, तो TPU की लाइफ 7 to 8 years तक रफ एंड टफ कंडीशन में होती है। अगर अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं तो आने वाले 10 साल में भी ये शीट ख़राब नहीं होती। अब बात कर लेते हैं, क्या अगर PPF को आप पील ऑफ करते हैं कभी भी, मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद, या जब मर्जी, तो क्या ये पेंट लेके निकलेगा? तो बिल्कुल नहीं, ये पेंट लेके नहीं निकलेगा। ये हमारी शीट की वारंटी होती है कि आप 10 साल बाद भी अगर शीट को रिमूव करना चाहते हैं तो पेंट चिप ऑफ नहीं होगा। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि गाड़ी ओरिजिनल होनी चाहिए। ओरिजिनल मींस कि रीपेंटेड कोई भी पैनल नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं, क्या जो इसकी डलनेस है वो आ जाएगी या क्रैक तो नहीं हो जाएगा? तो जो हम शीट यूज़ करते हैं उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको सारी रिटर्न वारंटी देंगे, सब कुछ हम रिटर्न देंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर कार हिट हो जाती है, सपोज़ एक पैनल है, अगर वो हिट हो जाता है, तो जो शीट का रिप्लेसमेंट है उसका क्या सॉल्यूशन है? तो गाइज, इस चीज़ के लिए भी आप बेफिक्र रहिए, हम आपके लिए रिप्लेसमेंट गारंटी भी लेकर आए हैं, जो कि हम 1st 2 years की हर कस्टमर को देते हैं। मींस अगर 1st 2 years में आपसे भी गाड़ी लग जाती है कोई भी पैनल जितनी मर्जी बार, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके देंगे, उसकी कोई चार्जेस नहीं लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन एक्सीडेंटल केस में भी। जैसे फ़ोन पे टेम्पर्ड होता है, एग्जैक्टली PPF उसी तरीके से काम करता है। जैसे फ़ोन का टेम्पर टूट जाता है, आप उसे रिप्लेस करा लेते हो, एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर कार के कोई भी पैनल पे स्क्रैच आता है तो वो PPF पे आएगा, उस पैनल से PPF उतर के दोबारा लग जाएगी, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। क्योंकि जो PPF की स्टार्टिंग है वो 45 to 50 thousand से वो स्टार्ट हो जाता है, बाकी कार साइज पे डिपेंड करता है। तो गाइस देखो, 45 या 50 thousand भी छोटा अमाउंट नहीं होता। तो हमारा कंसर्न तो देखो यही है कि आपने गैलेक्सी कार केयर में इन्वेस्ट करा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके लिए वर्थ हो कि अगर कल को गाड़ी लगनी भी है, क्योंकि गाइस देखो, गाड़ी रोड पे चलनी है, लगनी तो है ही, कोई जान के अपनी गाड़ी नहीं मारेगा, छोटे मोटे स्क्रैचेस तो आ ही जाते हैं। तो इसमें यह है कि आपके वर्थ हो, एटलीस्ट आप बिल्कुल हमें हक से बोल सकते हैं कि हमने पैकेज लिया है, यू कैन रिप्लेस दिस, फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देते हैं, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है 2 साल में। हम आपको मेंटेनेंस पैकेज भी फ्री देते हैं। जैसे न्यू गाड़ी में तो मतलब स्टार्टिंग में तो रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आफ्टर सम टाइम गाड़ी भी अंदर से गंदी होती है, तो आपको गाड़ी की डिटेलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो भी हर 6 महीने बाद कॉम्प्लीमेंट्री है। तो इसी तरीके के पैकेज है। फॉर द फर्दर इंफॉर्मेशन, आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर मेंशन हो रहा होगा, मेरा नाम मनप्रीत है, आप मुझे जब मर्जी कॉल कर सकते हैं। हमारा आउटलेट मायापुरी में है, हमारा एड्रेस भी आपको शो रहा होगा, सो आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ गाड़ी नवी है या पुरानी है, या आपको कोई भी एडवाइस लेनी है, आप बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। ये हमारी स्टार्टिंग है, सो अगर थोड़ा ऊपर नीचे बोल दिया गया हो तो आई एम रियली सॉरी। सो आई होप गाइज यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द न्यू नोटिफिकेशन। जोर पावे फिर पाउंदे बैठे हां, दिल दे मावे आदतां ने कपियां, थोड़े जे रूट थोड़े आरो घंटे।